तो हमें यहाँ से घास काटना है, इसको खाते हैं, इस पे फ्रूट जैसा लगता है कुछ, पर ये टमाटर सड़ रहे हैं। कुछ टमाटर मम्मी से निकाल कर ले गए, हरी मिर्च लेने। तो मिर्च के पौधों पर भी आखिरकार मिर्च लगी गई है। हवा जैसे चलती है ना, तो ये गिर रही है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, और कल शाम को हम लोग घर आ गए थे क्योंकि सेब सीज़न के बाद हमारे इधर चलता है घास का सीज़न। सर्दियों के लिए घास स्टोर करना होता है गाय के लिए, तो आजकल वही सीज़न चल रहा है, इसके लिए हम भी घर आए थे। और देखते हैं, आज हम तो नहीं जाएंगे शायद घास काटने के लिए, तो नेपाली चले गए हैं। मम्मा ने बोला कि आज घर पे ही तुम्हें रहना है, गाय देखनी है, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, गाय के साथ मम्मा नहीं होंगे आज। अरे कहना क्या चाहते हो? आज गाय के लिए घास नहीं लाएंगे, मम्मी नेपालियों के साथ जाएंगे नीचे, तो हमें गाय के लिए घास वगैरह लाना है और गाय देखनी है। वैसे सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, तो देखते हैं आज दिन भर क्या रहता है। लालू कैसे हो तुम? कैसे हो? तुम्हारे तो छींग भी आ रहे हैं, कुछ नहीं मैं पकाने को, इसके सींग भी आ रहे हैं। नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नीचे इतना सारा घास है, वो खा लो। इतना घास होने के बावजूद भी बहन भौं भौं क्यों कर रही है? महारानी जी कुछ खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं आप? मैं नहीं बताऊंगा। ये ना एक बेल टाइप की होती है जिसको खाते हैं, इस पे फ्रूट जैसा लगता है कुछ, पर मुझे नहीं पसंद, ये अजीब सा टेस्ट करता है, पर इसको पसंद है। क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल चल चलो। तो हमें यहाँ से घास काटना है, इधर तो मम्मी ने काटा, इधर ऊपर भी काटा हुआ है, यहाँ से नीचे का खेत रहता है, ये गाय के लिए साथ साथ में कट जाएगा, जब तक मतलब ये खत्म होगा गाय के लिए काटते रहेंगे इसको। तो हमें भी अभी गाय के लिए काटना है, पर समझ ही नहीं आ रहा है कैसे काटे, कहाँ से शुरू करें। तुमसे ना हो पाएगा। इधर से मैं आजकल फूल आ रहा है भाई, यहाँ देखो, यहाँ भी आ रहा है, वहाँ पर भी आ रहा है, पर इसके बाद अभी टिकेगा नहीं क्योंकि अब पाला पड़ेगा तो ये झड़ जाएगा। के लिए घास लेकर तो आ गए, पर ये जो घास है ना इसके पास पड़ा हुआ है, ये इसको नहीं खा रही है, तो इसको साइड कर देते हैं, और जो हम लेकर आए हैं हरा हरा सा घास, ये देते हैं इसको। बाय बाय मम्मी, अभी चले गए नेपालियों के लिए खाना लेकर, और मैं फिर से आई हूँ गाय को घास देने के लिए। इसने पहले वाला फिनिश कर दिया है। मैं आई थी अभी लंच के लिए हरी मिर्च लेने, तो मिर्च के पौधों पर भी आखिरकार मिर्च लगी गई है,
थोड़ी बहुत ही लगी है पर लग जरूर गई है, फूल है काफी सारे, कुछ टाइम में इस पर भी लग जाएगी। मिर्च तो मैं ले गई लंच के लिए और मैंने लंच भी कर लिया। अब मैं आई हूँ बैंगन देखने के लिए और शिमला मिर्च वगैरह देखने के लिए कि है या नहीं रात की सब्जी के लिए। पर बैंगन के पौधे तो मुझे दिख रहे हैं, यहाँ देखो बंगजीरी के बीच सारे छुप गए। ये रहे बैंगन के पौधे, पर इन पे बैंगन है नहीं, ये फूल है लगे और ये पता नहीं क्या है, सड़ गए शायद ये फूल। इधर भी फूल है, इधर भी फूल है, बस इन पे फूल ही फूल है, इन पे बैंगन नहीं है। और शिमला मिर्च के पौधे तो गायब हो चुके हैं, वो तो है ही नहीं इधर, बस बंगजीरी ही बंगजीरी दिख रही है। एक टमाटर का पौधा दिखा है मुझे इधर, तो ये टमाटर सड़ रहे, कुछ टमाटर मम्मी से निकाल कर ले गए, तो बाकी जितने दो चार बचे हैं ये सड़ रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही। और इधर ये भंगजीरी ना इतनी बड़ी हो गई थी कि हवा जैसे चलती है ना तो ये गिर रही है, हवा के जिधर जिधर हवा चलती है तो उधर उधर ये गिर रही है, इसके डंडे काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। चार बजे का और मैं फिर से जा रही हूँ गाय के लिए घास लेने के लिए। मम्मी अभी तक नहीं आए हैं, पुन्नू पहले चली गई है, मैंने उसको पहले भेज दिया, तो मैं वो बैंगन बूंगन छूट कर रही थी, तो मैं अभी जा रही हूँ। और यहाँ ना इतनी ज़्यादा कीचड़ हो गई है, यहाँ देखो जो पानी निकलता है ना यहाँ से जाता है वो, पर यहाँ से वो डाइवर्ट हो गया शायद, वो छोटा सा नाला यहाँ देखो ये वाला, ये डाइवर्ट होके इधर इधर नीचे पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। और आज ना ग्लव्स भी नहीं है, नेपाली जितने भी ग्लव्स थे सारे उठाकर अपने साथ ले गए, सुबह भी हमने ऐसे बिना ग्लव्स के निकाला अभी भी, तो जैसे कल शाम को बारिश हुई थी ना, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो घास पूरा गिला गिला ऐसे चिपचिपा सा हो रहा है, अजीब सा। अगर बारिश नहीं हुई होती तो अच्छा था, सुबह तो गिला था, ओस था उस पर अच्छा, और अभी शायद थोड़ा सूखा होगा तो अच्छा होगा निकालने के लिए, बाकी देखते हैं कैसा है क्या है। पुनू तो इधर शुरू करने भी लग गई है, हमने काटा था ये वाले एरिया में, अभी हम काटेंगे ये जो रह गया है इसको। और वहाँ पार देखो पहाड़ पे घास काटा हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पे दो लोग भी है जो घास काट रहे हैं, पता नहीं दिख रहे मेरे कैमरे में, नहीं दिख रहे वो ब्लैक सा डॉट, तो सारे लगे हैं आजकल घास काटने में। गई है और मुझे डिनर भी बनाना है, काओ मिल्किंग भी करनी है, तो कर देती हूँ आज के ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।